विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति को लिखिए। तो पदार्थ वस्तु मोम है। परिवर्तन के पहले क्या थी? ठोस अवस्था में ऊष्मा प्राप्त की, ये द्रव अवस्था में बदल गई। अब जल, जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है, तो यहां पर लिख दिया द्रव अवस्था। अब फ्रीजर में ठंडा करने पर, जब फ्रीजर में ठंडा कर देंगे और उसको निकालेंगे तो किस अवस्था में हो जाएगा? ये ठोस अवस्था में हो जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे ठोस। नमक, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। और जब आर्द्रता मिलती है वायुमंडल की नमी के कारण, ये क्या होता है? द्रव अवस्था में हो जाता है, पसीज जाता है, द्रव अवस्था में बदलना चालू कर देता है। ओस की बूंद, बूंद है, कौन सी अवस्था में होगी? द्रव अवस्था में होगी। अब सूर्य का प्रकाश मिलता है तो वाष्पन की घटना होगी, है ना, और क्या हो जाएगा? ये द्रव से जल वाष्प में बदल जाएगी, यानी गैस में बदल जाएगी। गैस, और गैस किस फॉर्म में होगी? जल वाष्प के फॉर्म में होगी, तो यहां पे जल वाष्प। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा हो गई कि रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थों के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान करिए। तो आप कागज है, कागज अपन ने देखा होगा कैसा होता है, सफेद में होता है, तो पूर्व स्थिति हमने लिख दिया सफेद। अब कारक क्या? ज्वाला, यानी उसको जलाया गया, तो जलने के बाद क्या हो जाता है? सफेद से काले रंग में बदल जाएगा, ये काला हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया काला। स्टार्च, मंड, ये सफेद रंग का होता है, तो लिख दिया सफेद। और फिर आयोडीन, जब आयोडीन विलयन को उपस्थित से टेस्ट किया जाता है तो सफेद से नीला हो जाता है, तो यहां पे लिख दिया नीला, ब्लू कलर का हो जाता है। हल्दी खाने में प्रयोग होती है, आप लोगों देखी होगी, और कौन सा कलर होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, जो कलर होता है हल्दी का वो पीला होता है। और जब साबुन के संपर्क में आती है तो कौन सा कलर हो जाता है? लाल कलर हो जाता है। चीनी, आप अच्छे से परिचित, कौन से रंग की होती है? सफेद रंग की होती है ना। और ऊष्मा मिले, ताप दिया जाए, तो ये कौन से रंग बदल जाती है? भूरे रंग बदल जाए, भूरी हो जाती है, यानी भूरा। फिर क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए। जो असत्य कथन है उसको छांटना है, उन्हें सही करना है। जैसे कह रहा है, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो हमारे कैसे कथन है? बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि कागज के जब छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं तो छोटा टुकड़ा वो भी कागज कहलाएगा, उसके गुण थोड़े बदल जाएंगे। जो बड़े कागज के गुण हैं उसके टुकड़े करने पर वो छोटे कागज के गुण भी वही रहेंगे, तो कागज के टुकड़े करने पर उसके गुण नहीं बदलते हैं, यानी ये कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन होगा। और इसमें लिखा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा हमारा। ठीक है, पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो जब पत्तियों से खाद बनती है तो वहां पर ये जो फिर पत्तियां नहीं रह जाती हैं, है ना, एक नया पदार्थ बन जाता है, तो ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और बोल रहा कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत हो जाएगा। तो असत कथनों को छांट कर उन्हें सही कीजिए, तो लिख देंगे पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर कह रहा है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, तो बिल्कुल सही कथन है हमारा। तो मोमबत्ती जलना कैसा है?
एक रासायनिक परिवर्तन है, फिर से हम उसी तरह उससे मोम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप बूंदों में बदल जाती है, बूंदों को फिर ऊष्मा मिलेगी, ताप मिलेगा, फिर भाप में बदल जाएगी। तो क्या है, ये आपस में बदल जाते हैं, हमें पुनः वही पदार्थ मिल रहा है। तो यानी ये कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और इसमें लिख रहा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी ये जो कथन होगा हमारा असत हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे असत। तो भाप का ठंडा होगा बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में कैसा है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और क्यों रासायनिक परिवर्तन है, आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा खनिज लवण की सहायता से पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, यानी भोजन बन जाता है, तो फिर से हम वही चीज प्राप्त नहीं कर सकते ना, तो कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें चला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन चला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। पानी में शक्कर घोलना, पानी में शक्कर घोले, पानी को वाष्पित करते फिर शक्कर मिल जाएगी, तो पानी में शक्कर घोलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, कोयला जल जाता है राख बन जाती है, फिर उस राख से हम कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, यानी एक नया पदार्थ बन गया। और जब नया पदार्थ बन जाता है तो ऐसा परिवर्तन कैसे कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो कोयले का जलना लिख देते हैं। मोम का पिघलना, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन, जबकि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पे मोम का पिघलना क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन में डाल देंगे। भोजन का पाचन, जब भोजन पेट के अंदर जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है ना, फिर हम उससे वही नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। तो भोजन का पाचन किसमें चला जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में चला जाएगा। कांच का टूटना, कांच टूट जाता है तो कांच ही कहलाएगा, गुण तो वही रहेंगे ना, तो वो परिवर्तन नहीं होने वाले। तो कांच का टूटना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात हम पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बन जाता है, और इसे पूर्व स्थिति में प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। प्रश्न के पांच कह रहा, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। भौतिक परिवर्तन भरना है, नया पदार्थ भरना है, रासायनिक परिवर्तन भरना हो, उत्क्रमणी भरना हो, जंग भरना। तो बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में लग जाता है, जब खुले रहेंगे उसे पानी मिलेगा और वायु के संपर्क में आएंगे तो क्या जंग लग जाता है, तो यहां पर लिख देंगे जंग। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लग जाने पर हम पुनः उससे लोहा प्राप्त नहीं कर सकते उसी तरह के, तो यह कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। कैसा पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। चीनी को पानी में घोलना कैसा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है, अब इसके पहले चर्चा भी कर चुके। भौतिक परिवर्तन सामान्यता होते हैं, तो बचा हुआ उत्क्रमणी, उत्क्रमणी मतलब जो दोनों दिशाओं में प्रक्रिया चलती है ना, जैसे पानी से बर्फ बन जाती है, बर्फ से फिर पानी बन जाता है, पानी से जलवाष्प बन जाता है, जलवाष्प से फिर पानी बन जाता है। तो भौतिक परिवर्तन सामान्यता कैसे होते, उत्क्रमणी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। बिल्कुल सही है, सफेद ही रंग का रहता है हमारा दही, दूध से जब दही बनता है तो दूध का रंग भी सफेद और दही का रंग भी सफेद। इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल सही है कि दूध का स्वाद कुछ और होता है, दही का स्वाद कुछ और होता है, तो ये दोनों सही है। दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है, एक बार दही से दूध बन गया तो दूध से दही नहीं बन सकता। यह द्रव से ठोस में बदल जाता है, तो जो
दही होता है ठोस नहीं होता है ना, लगता ठोस है बाहर से लेकिन ठोस होता नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या गलत हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन हमारे सही है। तो उपरोक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। कथन एक व दो सही है, हमारा तीसरा भी कथन सही है, एक व तीन सही है, एक तीन चार, चार तो हमारा गलत है, एक व चार सही है। इसमें कोई सही नहीं नजर आ रहा। लिखा अगला, कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा सही है, तीनों सही है। तो और चूंकि इनमें कोई दिया नहीं है ऐसा, एक दो तीन होता तो हम मान लेते ये सही निकल जाता, लेकिन एक दो तीन है ही नहीं है, तो कोई विकल्प पूर्णतः सत्य नहीं है, ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, जिसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। आसपास होने वाले इसी प्रकार के दो उदाहरण लिखिए। तो आसपास बहुत सारे उदाहरण है, जैसे पानी को शक्कर में घुलना भी चर्चा की थी, चौक का पानी में घुलना हो जाएगा, नमक होता है वो ठोस अवस्था में होता है और जब आर्द्रता के संपर्क में आते द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो लिख देते हैं, तो पानी में शक्कर का घुलना, चौक का पानी में घुलना, ये हमारे क्या भौतिक परिवर्तन हो गए। क्वेश्चन 8 कह रहा है, समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी को दो भागों में काटना, ये दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों है। क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो राख बन जाती है, और राख कैसे, एक नया पदार्थ है, और जिसमें नया पदार्थ बन जाता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। लकड़ी को जब दो भाग काटेंगे तो लकड़ी के गुण नहीं बदलेंगे, कहलाएगी तो लकड़ी ही, तो जब पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं वही रहते हैं तो क्या भौतिक परिवर्तन कहलाएगा हमारा। तो लकड़ी को दो भाग में काटना भौतिक परिवर्तन है और लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ राख बनता है, जबकि लकड़ी को दो भागों में काटना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें लकड़ी के गुण नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। तो जो चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया होती है ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, और इसके कारण क्या होता है, दूधिया रंग, और क्या बनता है, H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चूने का पानी क्या होता है, दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो यह कथन हमारे बिल्कुल सत्य है क्योंकि एक नया पदार्थ बन जाता है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह हमारा असत्य हो जाएगा क्योंकि जब लकड़ी के टुकड़े किए जाएंगे तो उसमें लकड़ी के गुण ही विद्यमान रहेंगे, कोई नया पदार्थ हमारा नहीं बन रहा है। आयरन और जंग एक ही पदार्थ है, ये भी असत्य है क्योंकि आयरन और जंग दोनों अलग अलग पदार्थ है, असत्य हो गया। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी हमारा असत्य कथन है क्योंकि भाप का संघनन किया जाएगा तो पानी बन जाएगा, तो पानी से भाप बनना और भाप से पानी बनना भौतिक परिवर्तन होता है। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, यह भी असत्य है क्योंकि जब चावल पक जाता है तो फिर पुनः उसी तरह चावल हमको प्राप्त नहीं हो सकता है, तो चावल का पकना रासायनिक परिवर्तन है ना कि भौतिक परिवर्तन है, तो यह हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में दो दो उदाहरण लिखिए रासायनिक परिवर्तन के, दो उदाहरण, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना है ना, अभी बहुत सारी चर्चा कर चुके अपन लोग। और उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में बदलना, मोम का पिघलना, पानी में शक्कर का घुलना, तो ये उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। तो रासायनिक परिवर्तन दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में बदलना, पानी में शक्कर का घुलना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, ये बिल्कुल सही है और ये क्रिस्टलीकरण परिभाषा भी हो गई। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तक को उदाहरण, ये भी बिल्कुल सत्य कथन, दोनों कथन में क्या सत्य है। तो सिर्फ कथन एक सत्य है, गलत है क्योंकि दोनों सत्य है। सिर्फ कथन दो सत्य है, ये भी असत्य हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है तो ये हमारा सी ऑप्शन सही निकल जाएगा क्योंकि हमारे किसी पदार्थ के विलयन शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, ये भी सत्य है, और क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ये भी सत्य है, तो दोनों कथन हमारे सत्य हो गए। निम्नलिखित
में से क्रिस्टलीकरण द्वारा किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है? फिटकरी इसका भी प्राप्त किया जा सकता है, नमक का भी प्राप्त किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट का भी प्राप्त किया जा सकता है, ये सभी हो जाएंगे। तो हमारा ये डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।